आज का जो टॉपिक है इट इज स्टेट एडिक्शन. द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इन अ सिक्वेंशियल सर्किट इज रेफर्ड टू एज अ स्टेट एडिक्शन. तो ये जो एक टेक्निक है, जैसे हम केम ऐप यूज करते हैं टू मिनिमाइज द सर्किट, ठीक है ना, तो वी कैन रिड्यूस आइदर द नंबर ऑफ गेट्स और नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इन अ सर्किट. जैसे हम यूजिंग केम ऐप हम करते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट में उसको रिड्यूस करने के लिए. इन द सेम वे, तो इफ द स्टेट डायग्राम इज गिवन टू यू, जैसे हमने लास्ट क्लास में स्टेट डायग्राम डिस्कस किया था, तो स्टेट डायग्राम को रिड्यूस करने के लिए वी कैन मेक यूज ऑफ दिस टेक्निक, इट इज अ स्टेट रिडक्शन. तो इस स्टेट रिडक्शन जो है, इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स को कम करते हैं. एज यू नो दैट, अगर सपोज हम फ्लिप फ्लॉप सीक्वेंशियल सर्किट्स में जो हम फ्लिप फ्लॉप्स यूज करते हैं, तो इफ वी रिड्यूस द नंबर ऑफ दीज स्टेट्स, ठीक है ना, एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन से वी आर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स फॉर ए गिवन सर्किट. तो अब ये जो, अब मैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एन वन एग्जाम्पल, तो जिसको इसमें आई विल टेक वन स्टेट डायग्राम एंड वी विल यूज दिस टेक्निक, स्टेट रिडक्शन टेक्निक, टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज्ड, ठीक है ना. तो अब इसमें क्या है कि जो नंबर ऑफ जो स्टेट्स होते हैं, वी नो दैट इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है ना. तो एज्यूम कर लो वी हैव द फॉर्मूला, वी कैन यूज दैट फॉर्मूला, टू रेज पावर एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स. ठीक है, तो अब यहाँ पे टू रेज पावर, सपोज इफ वी हैव गॉट नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स एम इज नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, सपोज अगर हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप है, तो टू पावर टू इज इक्वल टू फोर, सो वी मे बी हैविंग वी मे हैव फोर स्टेट्स, ठीक है ना. तो वो जो चार स्टेट जो होंगे, सपोज जीरो जीरो, जीरो वन से वन जीरो एंड वन वन, ठीक है. तो इन द सेम वे इफ यू हैव थ्री फ्लिप फ्लॉप्स, so here m is the number of flip flops here, so we have 2 power 3 is equal to 8, so 8 states honge hamare paas. So say we have got 0 0 0 ek state hai, 0 0 1 2 3 4 5 6 and 7. So these are 8 states, ठीक है. आठ स्टेट्स हैं. तो अब स्टेट डायग्राम इफ वी आर रिड्यूसिंग द नंबर, सपोज यहाँ पे टोटल 8 स्टेट्स हैं, तो हमने सपोज आफ्टर द स्टेट रिडक्शन, तो सपोज मैंने इसमें से फोर जो है स्टेट्स को रिड्यूस किया बाय सम टेक्निक, तो मेरे पास जो रिमेनिंग स्टेट्स रहेंगे आई विल बी हैविंग जस्ट फोर स्टेट्स. अब फोर स्टेट्स को मैं जो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन. तो अब इन अदर वर्ड्स जो नंबर ऑफ बिट्स हैं, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, तो यहाँ पे अगर ये वाला सर्किट, यहाँ पे स्टेट डायग्राम जो थे इसमें तो स्टेट्स आठ थे, तो उसमें फ्लिप फ्लॉप्स कितने हमने यूज करने थे, थ्री. सो क्योंकि दिस इज वन बिट फॉर वन फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना, दूसरा फ्लिप फ्लॉप एंड थर्ड फ्लिप फ्लॉप, तो ये हम तीन फ्लिप फ्लॉप. सपोज अगर मैंने अब स्टेट रिडक्शन टेक्निक यूज करके आई रिड्यूस दिस स्टेट डायग्राम टू द नंबर ऑफ दिस फोर स्टेट्स, इट मींस आई एम, अब यहाँ पे चार स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के आई नीड जस्ट टू फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है ना. तो यहाँ पे तीन फ्लिप फ्लॉप्स मैं यूज कर रहा, तो यहाँ पे दो ही फ्लिप फ्लॉप्स. सो यूजिंग दिस, इफ आई एम एबल टू यूजिंग सम टेक्निक, इफ आई एम एबल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ दिस स्टेट्स, इट मीन अदर वर्ड्स आई कैन से आई एम रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स फॉर ए गिवन सर्किट. तो उससे क्या होता है, ओवरऑल जो कॉस्ट सर्किट को रिड्यूस हो जाएगा. अब हम इस टेक्निक को समझना है हमें कि भाई हम इसको स्टेट रिडक्शन जो है इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस इसमें, ठीक है ना. तो इसमें प्रोसीजर क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स यूज्ड फॉर दिस, ठीक है ना. अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जांपल, ठीक है. सो ए में स्टेट डायग्राम है, ठीक है.
तो आई एम गोइंग टू रिड्यूस दिस वन. अब हम दिखाता हूँ. तो पहले आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्टेट डायग्राम. सो आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग दीज स्टेट्स बाई द बाइनरी बिट्स. आई एम रिप्रेजेंट दैम बाई वेरिएबल. सपोज ए एक स्टेट है, दूसरा बी है, देन से अनदर इज सी, देन डी स्टेट है मेरे पास, देन ई एंड एफ, दिस आर स्टेट्स. ठीक है. तो अब यहाँ पे स्टेट डायग्राम विल बी गिवन टू यू एंड यू विल बी आस्क टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेट्स यूजिंग स्टेट रिडक्शन टेक्निक. ठीक है. तो अब यहाँ पे ये दिया होगा, मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ स्टेट डायग्राम. सो ए टू बी जो ट्रांजिशन है, तो इस सर्किट में हम अभी पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो हियर आई एम हैविंग ट्रांजिशन फ्रॉम बी टू डी विद द इनपुट एंड आउटपुट 1 0. देन आई हैव हियर ट्रांजिशन फ्रॉम डी टू एफ विद द इनपुट एंड आउटपुट 1. तो उसके बाद देन हियर इट इज ट्रांजिशन फ्रॉम सी टू ए विद द आउटपुट एंड इनपुट 0 0. देन आई हैव देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम बी टू सी विद इनपुट्स एंड आउटपुट 0 0. देन देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम सी टू डी, इट इज 1 0. देन देयर इज अ सी टू डी. ठीक है ना. सो आई हैव गॉट वन मोर स्टेट हियर. सो दिस इज ई इज हियर एंड दिस वन इज जी हियर. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे ई इट इज डी टू ई ट्रांजिशन विद द वैल्यूज इनपुट एंड आउटपुट 0 and 1. ठीक है. तो ई टू ए बी ट्रांजिशन है यहाँ पे विद द वैल्यूज इनपुट एंड आउटपुट इसमें 0 0 है. देन फ्रॉम ई टू एफ, ई टू एफ इज अगेन 1 1. And there is a transition from F to F. It remains in the same state. So yahan pe hai. Then we have got transition from F to G with input and output values. And then you have got transition from this to this with the values 1 and 1. So then last mein you have got G to A. And then here it remains in the same state with the values. ठीक है. तो ये एक स्टेट डायग्राम दी हुई है. तो अब इस स्टेट डायग्राम में आपको क्या करना है कि यू हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेट्स यूजिंग द स्टेट रिडक्शन मेथड. तो अब इसमें आपको हम क्या करेंगे सबसे पहले. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्टेट डायग्राम. ठीक है. सॉरी स्टेट टेबल फॉर दिस पर्टिकुलर. अब स्टेट टेबल में हमें एज यू नो दैट वी राइट द प्रेजेंट स्टेट, देन यू हैव नेक्स्ट स्टेट एंड देन आउटपुट. अब प्रेजेंट स्टेट्स जो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बाइनरी में दिया इट इज ए इज हियर, सपोज प्रेजेंट स्टेट यहाँ पे, देन बी सी डी ई एफ एंड जी. ठीक है ना. तो ये प्रेजेंट स्टेट्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ. तो इट इज ए B, C, D, E, F and G. ठीक है. तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट जो है, इसमें अगेन यू हैव गॉट व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1. तो आउटपुट भी सेम है, जब आपका इनपुट 0 भी हो सकता है, आपका इनपुट 1 भी. तो एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स हियर इनपुट. सपोज ये जो वैल्यूज हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, सो ये आपका, सपोज ये आपका एक्स जो है ये इनपुट है. सपोज ये हमारा पहला वाला बिट जो है इट इज इनपुट, एंड दूसरा बिट जो होता है ये हमारा आउटपुट. तो इसका मतलब ये जो एक सर्किट है, तो अगर मैं कहूँ कि एक सिक्वेंशियल सर्किट है, तो उसमें एक इनपुट है एक्स और एक इनपुट है वाई, और इसके विद इन दिस वन देयर आर टू से फ्लिप फ्लॉप्स इसमें है. ठीक है ना. या इसमें 3 फ्लिप फ्लॉप होंगे फॉर दिस पर्टिकुलर सर्किट. तो ये तो अब यहाँ पे जो इनपुट है, हम सपोज हम यहाँ पे सेम है कि प्रेजेंट स्टेट आपका ए है. ठीक है ना. तो अब नेक्स्ट स्टेट जो है, नेक्स्ट
हाँ प्रेजेंट स्टेट ए है। अब आपको यहाँ से देखना है, इसमें देखो क्या, व्हेन एक्स इज कॉल्ड इनपुट इज जीरो, ठीक है ना, आपको ए से स्टार्ट करना है। आप देखना है कि ए से दो एरोज निकलेंगे, ए से एक तो यहाँ से निकल रहा है वो बी में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इनपुट आपका वन है, लेकिन जो मेरा यहाँ पे इनपुट क्या है, जीरो है। आपको देखना है जीरो इनपुट कौन सा है। अब दूसरा जो है यहाँ से ए से निकल रहा है तो ए में ही आ रहा है, तो यहाँ पे सो ये जो है यहाँ इट इज हेयर जीरो हेयर, ठीक है ना, इनपुट जीरो। तो अब यहाँ पे तो इसका मतलब ए में से निकल के ए में, वो प्रेजेंट स्टेट इसका ए है, नेक्स्ट स्टेट भी इसका ए ही है। तो यहाँ पे इसका सपोज प्रेजेंट स्टेट ए है, नेक्स्ट स्टेट भी ए ही है, लेकिन कब, व्हेन एक्स इज कॉल्ड जीरो, क्योंकि एक्स यहाँ पे जीरो है। अब आपको देखना आउटपुट क्या है, आउटपुट इसमें जीरो है, तो आउटपुट जीरो है, व्हेन एक्स इज कॉल्ड जीरो और आउटपुट इज ऑल्सो जीरो, तो यहाँ पे आप देखोगे जीरो, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे देखोगे व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन, अब यहाँ पे ए स्टेट में जब एक्स हमारा वन है तो ये किस ट्रांजिशन हो रहा है, बी में, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन, ट्रांजिशन इज फ्रॉम ए टू बी, ये ए टू बी स्टेट में जा रहा है। तो यहाँ पे आपको देखना है अगेन, इनपुट तो हमने वन रखा है यहाँ पे, लेकिन आउटपुट क्या है यहाँ पे, ये यह हमारा आउटपुट है जीरो है, तो यहाँ पे लिखोगे आप जीरो। देन यू विल स्टार्ट विद द बी स्टेट, अब बी स्टेट हमारा ये है, तो यहाँ पे भी दो केसेस होंगे, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू वन। तो B से C में जा रहा है जब आपका X है जीरो, तो किस में जा रहा है, C में, तो यहाँ पे लिखना है हमने C। अब C लिखा तो यहाँ पे इन दिस केस इनपुट तो हमारा जीरो है, लेकिन आउटपुट हमारा क्या है, जीरो, तो आउटपुट में भी आपको जीरो ही लिखना है, मैंने X इज इक्वल जीरो। सेकंड है B से, अब देखना है कि जब हमारा इनपुट वन है तो ये B से किस स्टेट में जा रहे हैं, तो यहाँ से B से जब हमारा इनपुट वन है इट गोज टू डी, यहाँ पे लिखोगे आप डी, ठीक है ना, लेकिन आउटपुट क्या है, जीरो। अब सी से स्टार्ट कर लोगे, अब सी हमारा ये है, अब आपको सी में देखना है जब हमारा इनपुट जीरो है, तो यहाँ से देखो ये सी इनपुट हमारा जीरो है, तो किस में जा रहे हैं, ए में, तो देर इज ट्रांजिशन फ्रॉम सी टू ए, तो सी टू ए जब आउटपुट हमारा क्या है, आउटपुट हमारा जीरो है। एट द सेम टाइम आपको क्या देखना है कि अब सेकंड केस है, जब हमारा सी स्टेट से हम जब हमारा इनपुट वन है तो ये किस स्टेट में जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो कि ये वन है, तो ट्रांजिशन फ्रॉम सी टू डी, तो यहाँ पे देखोगे डी, सी से डी में जा रहा है, तो आउटपुट क्या है, सी टू जब डी जा रहा है आउटपुट ये हमारा ये है, आउटपुट जीरो, तो जीरो यहाँ पे लिखोगे। देन डी स्टेट आप देखोगे, डी स्टेट हमारा यहाँ है, तो अब इन द सेम वे जब इनपुट जीरो है तो ये किस में, ई में जा रहा है, डी टू ई जा रहा है, आउटपुट हमारा क्या है, जीरो। सेकंड है डी टू जब हमारा इनपुट वन है ये किस में जा रहा है, एफ में, तो यहाँ पे लिखोगे एफ में जा रहा है, लेकिन इन दिस केस हमारा आउटपुट क्या है यहाँ पे, वन, तो ये इसका ख्याल रखना है, तो आउटपुट वन है हमारा, ठीक है ना। उसके बाद ई स्टेट में देखोगे, ई हमारा तो ई टू ए जा रहे हैं जब आपका एक्स जीरो है, तो ए में जा रहे हैं, तो आउटपुट हमारा इसमें जीरो ही है यहाँ पे। अब सी ई टू कहाँ जा रहा है, तो ए में जा रहे हैं, तो दूसरा है ई टू एफ भी जा रहा है, तो ई टू एफ जा रहा है, लेकिन इसमें कि इस केस में आउटपुट वन है यहाँ पे, ये हमारा वन है। उसके बाद देन एफ स्टेट से आप स्टार्ट करोगे, अब एफ से कहाँ जा रहा है, एफ से तो आप जी में जा रहे हैं जब आप इनपुट क्या है, जीरो, तो एफ से निकल के एफ ही में है, लेकिन उसमें इनपुट वन है, हमें देखना है यहाँ पे जब इनपुट जीरो है, एक्स इज जीरो, तो जब एक्स इज इक्वल जीरो किस में, जी में जा रहे हैं, तो यहाँ पे जी लिखोगे। देन यहाँ पे दूसरा है कि रिमेन इज इन द सेम स्टेट, एफ टू एफ ही रह रहा है, तो लेकिन इसमें क्या है, आपका आउटपुट वन है, तो यहाँ पे आप देखोगे इस वाले में आउटपुट हमारा जीरो था। अब जी स्टेट से स्टार्ट करोगे, जी हमारा ये है, अब जी से कहाँ जा रहा है, एक तो ए में जा रहे हैं जब आपका इनपुट जीरो है, ए में जा रहा है जब इनपुट आउटपुट हमारा जीरो है, इनपुट भी जीरो ही है। अब जी से दूसरा देखना, एफ में जा रहे हैं, लेकिन इस केस में आपका क्या है, आउटपुट हमारा वन है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे अब स्टेट टेबल, सो आपको सबसे पहले प्रोसीजर मैंने स्टार्ट क्या किया, स्टेट डायग्राम विल बी गिवन टू यू, तो आप स्टेट डायग्राम में से आपको स्टेट टेबल बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रोसीजर आपको फॉलो करना है यहाँ पे, वो क्या है कि इसमें अगर इफ टू, इसमें क्या है कि ये आप याद रखोगे, टू स्टेट्स आर सपोज यहाँ पे ये ए स्टेट है यहाँ पे, ठीक है ना, ए स्टेट है, सपोज ये दूसरा ए यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेट भी इसका ए है। अब यहाँ पे आप लिख रहा हूँ कि द टू स्टेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट,
if for each number of the set of inputs may give exactly the same output and send the circuit either to the same state or to an equivalent state. One of them can be removed. अब ये जो यहाँ पे प्रोसीजर आपको क्या फॉलो करना है इसमें, अब आपको इसमें देखना है कि अगर दो स्टेट्स का आउटपुट सेम हो और उनका जो नेक्स्ट स्टेट भी सेम हो तो वो दोनों क्या होंगे, वो दोनों इक्वल होंगे। तो उसमें से प्रोसीजर हमें बता रहा है कि आप यू कैन उसमें से आप एक को रिमूव कर सकते हो। अब हम देखेंगे जो हमारा जो यहाँ पर स्टेट टेबल है इसमें आपको देखना है कि सपोज अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये और ये स्टेट, सपोज सी वाला और यहाँ पे डी, तो इसमें तो क्योंकि यहाँ तो जीरो जीरो है आउटपुट्स इसके, तो यहाँ पे 0-1 है तो इसके आउटपुट सेम नहीं है। तो कंडीशन है कि आउटपुट दोनों सेम होने चाहिए। सपोज अगर इफ आई टेक दिस वन, जी का नेक्स्ट स्टेट ए है, अब उसके बाद एफ है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ ई जो है यहाँ पे, ठीक है ना, तो अब आपका या मैं कहूँ ई है, तो ई स्टेट और जो जी स्टेट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखोगे ई स्टेट में ए है नेक्स्ट यहाँ पे, और यहाँ पे भी 0-1, 0-1, इसका मतलब ये जो दोनों है इसमें जो कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है, हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है सेम, यहाँ पे ए ए है, यहाँ पे अगेन यू हैव गॉट ए ए एफ यहाँ पे, यहाँ पे, और इनके आउटपुट भी सेम है, यहाँ पे आउटपुट सेम है। सो इसका मतलब है कि जो हमारा ई जो है वो इट इज इक्वलेंट टू जी, ठीक है ना। तो अब ई जी के बराबर हैं, तो अब प्रोसीजर क्या कह रहे हैं कि प्रोसीजर कह रहे हैं कि भाई हम इसको ए को रिमूव कर सकते हैं। सपोज अब मैं यहाँ पे ये दोनों सेटिस्फाई कंडीशन हो रही हैं कि इसका जो नेक्स्ट स्टेट ए एफ है, इसका भी नेक्स्ट स्टेट जी का भी नेक्स्ट, ये जो स्टेट है ई स्टेट हमारा, इसका नेक्स्ट स्टेट ए एंड एफ है, यहाँ पे भी ए और एफ है, आउटपुट भी दोनों का सेम है, तो इसमें हम इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ई किसके बराबर है, ई हमारा जी के बराबर है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया यहाँ पे, तो वी कैन इलिमिनेट दिस वन। अब उसके बाद नेक्स्ट हम ये तो हमने रिमूव हो गया, उसके बाद अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पे देखो, अब हम इफ आई कंसिडर नाउ ये जो ये वाला है एफ, एफ का नेक्स्ट स्टेट, अब लेकिन यहाँ पे ई किसके बराबर, जी, अब यहाँ पे जो जी है ये किसके बराबर, इज एन इक्वल टू ई। अब हम फिर से देखिए, तो फर्स्ट रिडक्शन हमने किया, अब सेकंड रिडक्शन पॉसिबल है क्या इसमें, अब हम सेकंड रिडक्शन देखिए, फिलहाल एक तो हमने रिमूव किया एक स्टेट, अब दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे लेकिन कि ई ई ई किसके बराबर, ई जी, तो यहाँ पे अगर कहीं पे जी है आपको ई ई के बराबर रख सकते हो। अगर हम फिर से इस टेबल को देखूँ, अब यू कैन फाइंड हियर नाउ, ये जो ये स्टेट है डी स्टेट, इसका ई एंड एफ है,
अब ये जो ये वाला एफ है इसका भी नेक्स्ट स्टेट, क्योंकि जी तो ई के बराबर है, इसका भी ई एफ आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे अब मैं ये दो स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, एक तो ये स्टेट मैं ले रहा हूँ और ये स्टेट, क्योंकि यहाँ पे जी ई के बराबर है तो ई ई एफ एफ, तो नेक्स्ट स्टेट सेम है, आउटपुट दोनों के सेम है, तो आई कैन नाउ कैंसिल दिस वन, इसको रिमूव कर सकते हैं। पहले तो इसको मैंने रिमूव किया, अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिमूव करने के बाद जो मेरा जो रिड्यूस हो रहा है तो स्टेट्स, तो अब मेरे पास रह गए ये वाला ए बी सी डी ई, ठीक है ना, क्योंकि इसको मैंने रिमूव किया, ये तो हट गए यहाँ ये दोनों, तो अब उसके बाद आई हैव गॉट दिस वन। अब मैं फिर आपको देखना है कि फर्दर रिडक्शन पॉसिबल है, तो दो रिडक्शन तो हो गई इसमें। अब अगेन यू हैव अप्लाई द सेम मेथड, आपको फिर से देखना है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ई तक, तो यहाँ तो ई तो है हमारे यहाँ तक, अगर हम यहाँ पे देखें इनमें तो दोनों सेम नहीं है, ये डी का ई एफ है, यहाँ तो ए एफ है नहीं है, तो अगर यहाँ पे और देखें ई ए, तो ये तो यहाँ पे तो नाउ फर्दर रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस, ठीक है। तो प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, अब फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो अब हमें क्या करना है, अब हम रिड्रॉ करेंगे द सेम स्टेट डायग्राम विद दीज रिड्यूस्ड द स्टेट्स, ठीक है ना। तो अब हमारे स्टेट्स कितने, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि विल रिड्रॉ दिस वन, दिस रिड्यूस्ड स्टेट डायग्राम, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है इसमें, तो आई विल टेक नाउ अब स्टेट्स जो हैं हमारे पास, नाउ आई हैव गॉट द स्टेट्स ए बी सी डी ई, इट इज ए देन बी then we got C, ठीक है। अब ये तो बाकी आपको एज यूजुअल आपको क्या करना, अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डायग्राम में, ठीक है ना, तो यू कैन चेक इट आउट हियर। तो ये तो A है हमारा, तो फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन फाइंड आउट, तो A टू A ही जा रहे हैं। अब यहाँ पे x क्या है हमारा, इनपुट हमारा जो x है वो ज़ीरो है, और यहाँ पे x जब ज़ीरो है उसका आउटपुट क्या है, ज़ीरो, तो यू राइट इट। अब उसके बाद a टू किस में जा रहा है, b में, तो a टू b में जा रहा है। अब यहाँ पे इनपुट हमारा वन है, x इज़ वन, लेकिन आउटपुट क्या है, आउटपुट ज़ीरो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब ये तो a तो कंप्लीट, अब b का हमें लेना है, तो b टू किस में जा रहा है, c में, तो b टू c जा रहा है। अब यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट, अब इनपुट तो ज़ीरो है क्योंकि x इज़ ज़ीरो, तो आउटपुट भी यहाँ पे आपको ज़ीरो है, ठीक है ना। देन बी टू डी जा रहे हैं, तो डी हमारा ये है, तो बी टू डी जा रहे हैं, तो इसमें इनपुट तो हमारा वन है एंड आउटपुट इज यू कैन फ्रॉम दिस ज़ीरो, हो गया ये। उसके बाद सी से स्टार्ट कर लोगे, अब सी टू ए जा रहे हैं, तो सी टू ए यहाँ पे आ रहा है, इनपुट क्या है, ज़ीरो, और आउटपुट भी यहाँ पे ज़ीरो है। अब अगेन सी टू डी में जा रहे हैं, तो सी टू डी ये आ गया, ठीक है ना, तो अब इसमें इनपुट क्या है, वन है, आउटपुट इज यहाँ पे देखो ज़ीरो है। उसके बाद हो गया ये भी, अब डी के डी, अब डी से स्टार्ट करना है, डी टू ई जा रहे हैं, तो डी से किस में जा रहे हैं, ई में, विद द इनपुट ज़ीरो एंड आउटपुट इज आल्सो ज़ीरो। अब डी टू एफ जा रहे हैं, तो डी तो ये है, एफ कहाँ है, सो डी टू एफ, तो एफ क्या है हमारा, तो एक तो हमने यहाँ पे लिखा था जो हमने यहाँ पे ई तो जी के बराबर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट जो है हमारा यहाँ पे ई तो आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, तो एफ हमारा है, एफ तो यहाँ पे रिमूव हो, ठीक है, ये वी हैव टू राइट हियर वन मोर स्टेट हियर, तो क्योंकि यहाँ पे डी में क्योंकि यहाँ पे हमने देखा अभी, तो डी किसके बराबर है, डी इज इक्वल टू एफ, क्योंकि ये दो इक्वल हमने प्रूव करके दिए, तो तभी तो हमने इसको रिमूव किया। इसका मतलब अगर जो एफ कहीं पे है वो किसके बराबर है, डी के, इसका मतलब यहाँ जो एफ है ये किसके बराबर है, डी के बराबर है। अब यहाँ पे ए डी टू ई तो मैंने लिखा, डी टू ई, ठीक है ना, विद इनपुट ज़ीरो, अब डी टू एफ, लेकिन एफ हमने देखा एफ किसके बराबर है, डी के बराबर, तो यहाँ पे ये डी है, तो ये वापस जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो अब इसमें इनपुट वन है, आउटपुट भी वन है। अब लास्ट स्टेट है ई, तो अब यहाँ पे आप देखोगे इट इज़ वन ओब्लिक वन, तो यहाँ पे ई टू किस में जा रहे हैं, ए में, तो ई टू ए जा रहे हैं, इनपुट क्या है, ज़ीरो, तो आउटपुट भी इसमें ज़ीरो ही है यहाँ पे, तो ई टू
एफ जा रहे हैं क्योंकि एफ किसके बराबर है, डी के बराबर, वो हमने प्रूव करके दिया है। तो अब यहाँ पे हमने लिखना है अगेन इट गोज टू डी, ठीक है ना, तो ई टू डी में ही जा रहा है। तो इसमें इनपुट क्या है, वन है, ये आउटपुट इज ऑल्सो वन। तो ये तो हमारा ये डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया इसमें, तो ये हमारे डिफरेंट स्टेट्स इसमें आ गई। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो 1 2 3 4 वो हैव गॉट जस्ट 5 स्टेट्स हियर, ठीक है ना। तो अब ये 5 स्टेट्स टोटल हैं इसमें। तो अब हमने आज को क्वेश्चन यही था कि हमें क्या करना था इसमें, सो दिस इज द रिड्यूस्ड स्टेट डायग्राम। ठीक है, तो या इसमें और भी है, ये तो हो गया। तो वी कैन ऑल्सो असाइन द वैल्यूज टू दीज, जो हमने यहाँ पे स्टेट्स लिए ए बी सी डी, वी कैन असाइन सम वैल्यूज टू दीज स्टेट्स। सपोज हैं यहाँ पे, अब वैल्यूज क्या देख सकते हो, तो अब यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 को हम 3 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज ए इज इक्वल टू 0 0 0, देन बी इज इक्वल टू 0 क्योंकि 5 ही आपको लेने हैं, 0 1, एंड सी इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 3, ई इज इक्वल टू 4, एफ जो है इट इज 1 0 1, ठीक है। तो इसमें जो 5, यू कैन असाइन दिस वैल्यू, सो दिस इज यू कैन असाइन द वैल्यूज टू दीज स्टेट्स एज वेल, ठीक है। तो ये जो है असाइनिंग द बाइनरी वैल्यूज फॉर द स्टेट्स, इट इज रेफर्ड एज एज अ स्टेट असाइनमेंट, ठीक है ना। तो आप इसमें और एक डेफिनेशन आ गई, स्टेट असाइनमेंट। वॉट इज नाउ स्टेट असाइनमेंट, क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। सो दिस इज असाइनिंग द बाइनरी वैल्यूज टू फॉर द स्टेट्स इज referred as state assignment, ठीक है। तो स्टेट असाइनमेंट तो वही कहना है। तो अगर सपोज अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन 5 है, देर आर 4 स्टेट्स, तो यू कैन असाइन द वैल्यू। सपोज पहले को 0 0 रख रहे हैं, 3 बिट में रख सकते हो यहाँ पे। तो अब आई कैन ड्रॉ द सेम विद दीज वैल्यू। सो अब जो ए है, ए की जगह आप 0 0 लिखोगे, देन बी इज 0 0 1 एज पर दिस वन। सो आई हैव असाइन दीज वैल्यूज टू दीज स्टेट्स, सो दैट इज कॉल्ड स्टेट असाइनमेंट। तो देन सी इज 2, डी इज 3, देन ई इज 4, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे इतने स्टेट्स है, तो 4, ठीक है। तो उसके बाद सेम बाकी तो रिमेनिंग सेम ही है, इट इज 0 0, सेम यू हैव टू ड्रॉ हियर, यू हैव टू गिव द सेम वैल्यूज हियर। तो खाली ए बी और सी डी ई है, यू हैव टू असाइन द बाइनरी वैल्यूज टू दिस स्टेट्स, बाकी ये सारा सेम ही है। तो ये आज का टॉपिक था। इसमें हम दो चीज़ें हमने कवर किए, एक तो स्टेट रिडक्शन है, हाउ टू रिड्यूस द स्टेट्स, व्हाट इज द टेक्निक यूज्ड फॉर दिस वन, तो वो मैंने बता दिया। तो सेकंड जो था इसमें स्टेट असाइनमेंट, सो जस्ट गिविंग दिस वैल्यूज टू द डिफरेंट स्टेट्स वी कॉल द स्टेट असाइनमेंट, ठीक है। तो ये हम वैल्यूज दे सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था, थैंक यू।